धापेवाड़ा बालाघाट मार्ग पर उस समय कौतूहल का विषय बन गया जब धापेवाड़ा बालाघाट मार्ग से आने जाने वाले वाहन चालकों को एक विशालकाय भालू रोड किनारे मृत अवस्था में दिखाई दिया। सभी राहगीर रुक रुक कर भालू को देख रहे थे, तभी पता चला कि भालू की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गई है। उसके बाद राहगीरों के द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और भालू के अंतिम संस्कार की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से लगे ग्राम धापेवाड़ा के निकट अम्बा माई मंदिर के पास एक भालू मृत अवस्था में दिखने के बाद वहां देखने वालों की भीड़ लगना शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी की सुबह भालू रोड क्रॉस करते समय किसी अज्ञात वाहन से टकरा गया होगा, जिससे भालू की मौत हो गई होगी, ऐसा प्रथम दृष्टानुमान लगाया जा रहा है। राहगीरों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वैसे ही विभाग का अमला तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और भालू के अंतिम संस्कार की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं प्रभारी रेंजर अजय कुमार ने बताया कि उनके बीट गार्ड के द्वारा उन्होंने सूचना दी गई कि रोड किनारे एक भालू मृत अवस्था में पड़ा है, जो कि धापेवाड़ा बीट के अंतर्गत आता है और मौके में प्रथम दृष्टया यह एक्सीडेंट में भालू की मृत होना पाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भालू के शरीर पर किसी प्रकार के कोई निशान नहीं पाए गए, जिससे हत्या का अंदेशा नहीं लग रहा है। वहीं रोड पर खून देखकर यही लग रहा है कि भालू किसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ होगा। जानकारी मेरे बीट गार्ड द्वारा बताया गया सुबह मुझे 6:30 बजे लगभग समय 6:30 बजे कि एक मृत अवस्था में एक भालू रोड किनारे पड़ा है, कक्ष समाज 685 किनारे धापड़े बीट में। क्या लग रहा है? मौके में एक्सीडेंट लग रहा है, कोई निशान भी घसीटे, उसके निशान भी खून पड़ा है रोड पे। आपको यह भी बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है कि वाहनों की टक्कर से भालू की मौत हुई हो। लगातार एक सप्ताह में 3 वन्य प्राणियों की मौत वाहनों के टकराने से हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वन्य प्राणी की अधिकता की उनकी मौत का कारण ही बन रही हो। इससे पहले भी 10 फरवरी को शंकर घाट से बजरंग घाट के बीच वन्य प्राणी चीतल की मौत ट्रेन से टकराने से हुई थी। उसके बाद वन विभाग के द्वारा रेलवे विभाग को भी पत्र लिखा गया था कि शंकर घाट से बजरंग घाट के मध्य वन प्राणियों की आवाजाही बनी रहती है, वहां से ट्रेन की रफ्तार को कम किया जाए, जिससे कि वन्य प्राणियों की मौत ट्रेन से टकराने से ना हो। वहीं 15 फरवरी को अब धापेवाड़ा बीट में भी डिप्टी रेंजर के द्वारा बताया गया कि यहाँ भी वन्य प्राणियों की अधिकतर आवाजाही बनी रहती है। इसी दौरान वन्य प्राणी भालू रोड क्रॉस करते समय किसी अज्ञात वाहन से टकरा गया होगा,